वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज दिव्यांशु पोछा लगा रहा है क्योंकि दिव्यांशु की बात मान ली गई है। ये लोग आ गए हैं, डॉगी बुक करके आए हैं, तो डॉगी तो केवल 7,000 का, उसका खाना पीना वैक्सीन लेके वो मुझे कम से कम 11-12 हजार का डॉगी पड़ने वाला है। और अभी मिला नहीं है इन लोगों को, तो वो ना वहाँ पर वेट करना पड़ता, तो पता नहीं कितना समय लगता। तो फिर वो होम डिलीवरी के लिए बोला उन्होंने कि हम होम डिलीवरी कर देंगे, और आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, आप लोग दिख रहा होगा, आप लोग पास से देखिए, ये है छोटा सा हमारा पेट जो कि आने वाला है। तो ये उन लोगों ने वीडियो सेंड की है, बस बच्चों की जिद के आगे मंगाना पड़ रहा है। ये देखिए दिव्यांशु ने मुझे बना के दिया है रुआब्जा का शरबत। तो हरिद्वार से आए ना, जब से बस प्यास प्यास ही लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे बॉडी में पानी की कमी हो गई है क्या, क्योंकि वहां पे ना गर्मी बहुत ज्यादा थी। ले लिए ना, ये ले वो नहीं लाए, कुछ सामान बता रहे थे। ये तो बहुत छोटा है पापा, प्यारा सा समझती है। गाइस ये आ चुका है हमारा छोटा सा पप्पी, तो देखिए इसको कैसे टोकरी में लेके आए हैं क्योंकि छोटा सा है। और इधर देखिए रिशु और ये इसके पापा सब कैसे वेट कर रहे हैं, और रिशु का मुंह तो देखो जरा कितना खुश हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो यही पागल हो रहा था डॉगी लाने के लिए, दिव्यांशु तो इतना नहीं, लेकिन ये रिशु ने तो ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर रखा था। तो ये देखिए आखिरकार इन लोगों ने मंगा ही लिया, और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके लिए फूड क्या क्या, पट्टा और खाने में क्या क्या देना है, वो सारी चीज़ें इसके पापा को समझा रहे हैं। और वैक्सीन वगैरह का भी इनसे हम पूछ रहे थे कि कब लगानी है क्या। तो ये देखिए अभी पप्पी तो इसी में बंद है, तो ये मैंने देखिए खोला है, तो कैसे पूछ ला रहा है, कितना क्यूट सा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना ये। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ आज आया है एक नन्ना मेहमान, प्यारा सा पप्पी। तो बच्चों तो बच्चों के डिजाइन भी इसलिए मंगाना पड़ा मुझे, इतना क्यूट लग रहा है ना। वैसे तो मुझे डॉगी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट बच्चों की वजह से मंगाना पड़ा है। डॉगी का पट्टा और खाने का सामान भी हमने ले लिया है, और ये यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। और ये देखिए लक्षु डॉगी को देख के आ गई है नीचे खेलने, तो फिर डॉगी ना लक्षु के साथ खेल भी रहा था, और ये देखो दिव्यांशु के ऊपर कैसे चढ़ा है। और अभी ये नई जगह आया है ना, तो ये ऐसे खेल रहा था बिल्कुल खरगोश की तरह, उछल उछल के सबके साथ में खेल रहा था, और बच्चे भी एकदम मतलब खुश हो रहे थे कि आ गया। तो वही है, बच्चों का मन था तो मंगाना पड़ा। और ये पप्पी भी यहाँ के बहुत खुश है, देखो कैसे बच्चों के साथ में खेल रहा है, और देखिए रिशु की गोदी में कैसे चढ़ गया। तो फ्रेंड्स हमने इसका नाम रखा है प्लूटो, देखो ये क्यूब से खेल रहा है। ये जब से आया है बस इसको सब खिलाने में लगे हुए हैं बेचारे को, अभी पानी रखा तो देखिए कैसे पीने में लगा है, और पानी पी के देखिए ये फिर कूदने लग गया है, तो ऐसे कूद कूद के खेल रहा था। देखिए फ्रेंड प्लूटो मेरे साथ खेल रहा है, और ये ना मैं इसको नहीं खिला रही हूँ तभी ये मेरे पास आ रहा है। ये देखो साड़ी मत काट मेरी, छोड़ भाई। अब ये देखो ये आ गए हमारे घर में, किसी जन्म में हम इनका खाए होंगे तो अब ये आए अपना लेने है। अब ये सेवा करवाएगा हमसे, ये सेवा करवाएगा, ये क्या सेवा करवाएगा, ये कैसे देख रहा है, सेवा करवाएगा, ये हड्डी हड्डी सी हो रही है, खाना खाएगा। रात के 9:30 बज चुके हैं, और प्लूटो वही करीब 8:15 या 8:30 बजे आया था, तो प्लूटो को भूख लगी होगी, और हम लोग तो अभी खाना खा चुके हैं। आज प्लूटो के चक्कर में हमने भी खाना लेट खाया है, तो बस ये 2 चम्मच बोला था, तो 2 चम्मच मैं सोख करके रख देती हूँ क्योंकि ये आधे घंटे भिगोना है, उसके बाद प्लूटो को देना है। और बाकी इसका जो फूड है ये मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ क्योंकि पैकेट में ऐसे खुला रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड्स मेरे लिए तो ये एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो ये देखो प्लूटो महाराज खा रहे हैं खाना। फ्रेंड्स रात के 10 बज चुके हैं, और अभी देखिए हमारे घर में
घर में अभी कुछ काम भी नहीं हुआ है, किचन भी मेरी सब ऐसी पड़ी हुई है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।